सरकार के गठन के बाद बिहार सरकार भी पूरी तरीके से एक्शन मोड में है। 3 महीने बाद आज कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। शाम 4:30 बजे से होने वाली इस बैठक में कई एजेंडे पर मुहर लगने की संभावना है और माना जा रहा है कि आज की बैठक में कई विभागों में नौकरियों का पिटारा भी खुल सकता है। स्वास्थ्य विभाग, पंचायती राज विभाग के साथ ही शिक्षा और कृषि विभाग में भी खाली पड़े पदों पर वैकेंसी आने की उम्मीद है। अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज18 संवाददाता रजनीश कुमार। बिहार में 3 महीने बाद एक बार फिर से पढ़े लिखे युवा बेरोजगारों के लिए नौकरियों का पिटारा खुलने वाला है। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद, केंद्र में नई सरकार के गठन के बाद अब राज्य सरकार पूरी तरह से एक्शन में आ गई है। यानी 3 महीने बाद आज राज्य में पहली बार कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। शाम 4:30 बजे सचिवालय में आज मुख्यमंत्री खुद जो है बैठक में भाग लेंगे और इसके साथ साथ तमाम बिहार के मंत्री जो है बैठक में हिस्सा लेंगे। कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, पंचायती राज विभाग में आज कई नई वैकेंसी दी जाएगी और जिस पर मुहर लगेगी। यानी लगातार इंतजार कर रहे हैं युवा जो खासकर पढ़े लिखे हैं, तकनीकी योग्यता रखते हैं, लेकिन उनके लिए राज्य सरकार आज पिटारा खोलने वाली है क्योंकि आगे विधानसभा चुनाव है और 3 महीने तक लगातार सरकार आचार संहिता के बाद चुनाव में व्यस्त रही है। चुनाव खत्म हुआ है, नई सरकार केंद्र में बन गई है, अब राज्य में नौकरियों का पिटारा खुलेगा। स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करेंगे, पहले ही स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने 45,000 नौकरियों की एक तरह से घोषणा कर दी है। दूसरी तरफ पंचायती राज विभाग में भी 15,000 नई नियुक्तियां होंगी, इसकी भी घोषणा कर दी गई है। कुल मिलाकर आज सबकी निगाहें जो है 3 महीने बाद होने वाली पहली कैबिनेट की बैठक पर टिकी हुई है। शाम 4:30 बजे जो है बैठक बुलाई गई है। बैठक के बाद तकरीबन 6 बजे तक जो है पता चलेगा कि आखिर बैठक में कितने एजेंडे पर मुहर लगी है, इसके साथ साथ कितने विभाग में कितनी वैकेंसियां आई है। कैमरामैन अमित के साथ रजनीश कुमार, न्यूज18 पटना। चलिए अब बात कर लेते हैं मौसम की। मौसम से जुड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। देखिए, मौसम विभाग का पूर्वानुमान है बिहार में 16 जून तक मॉनसून दस्तक देने वाला है। पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर में कई दिनों से मॉनसून का ठहराव है। अब किशनगंज के रास्ते बिहार में मॉनसून प्रवेश कर सकता है। प्री मॉनसून बारिश भी नहीं हो सकी असरदार। अब तक आपको बताते चले, किशनगंज के रास्ते प्रवेश करने की संभावना जो है मॉनसून की वो जताई जा रही है। अगले 2 दिनों तक लू से लोगों को राहत नहीं मिलेगी। इस भीषण गर्मी में तापमान जो है वो 44 से 45 डिग्री तक ही रहेगा और लगभग सभी जिले में 42 डिग्री से ऊपर ही है तापमान। बताते चले आपको, सामान्य से 66% कम हुई है बारिश और ये अपडेट सामने आ रहा है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है जहां पर आपको बताते चले बिहार में मानसून दस्तक देने वाला है 16 जून तक और 16 जून के बाद थोड़ी गर्मी से लोगों को राहत मिल पाएगी। तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, बारिश की संभावना है और इसके बाद कई जिलों में, कई क्षेत्रों में बारिश होने के बाद लोग राहत की सांस ले पाएंगे और तापमान में गिरावट भी दर्ज किया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी 1-2 दिनों के लिए तापमान में ना ही गिरावट दर्ज किया जाएगा और ना ही लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। देखिए, झारखंड में भी अब जल्द ही मॉनसून दस्तक देने वाला है। संथाल के रास्ते से प्रदेश में मॉनसून दस्तक देगा। 16 जून के बाद संथाल में बारिश होने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। रांची में 20 से 22 के बीच मॉनसून की दस्तक होगी। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, ये अपडेट आपके सामने मौसम से जुड़ा हुआ। रांची में 20 से 22 के बीच में मॉनसून की एंट्री होने वाली है, यानी कि यहां पर भी लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। लेकिन फिलहाल 1-2 दिनों के लिए यहां पर भी बारिश की संभावना नहीं है, गर्मी से राहत लोगों को नहीं मिलेगी। तापमान में भी गिरावट दर्ज होने की संभावना नहीं जताई जा रही है। मॉनसून के दस्तक देते ही तापमान में गिरावट दर्ज किया जा सकता है। बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत थोड़ी मिल सकती है। टीवी स्क्रीन पर अगर आप नजर डालेंगे तो देखिए, ये दिखा रहे हैं आपको गर्मी से हाल बेहाल है। टेम्परेचर आप देख पा रहे हैं, ये कल का टेम्परेचर है जो कि आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बिहार के कई जिले जो हैं वो लू की चपेट में हैं। लू को लेकर मौसम विभाग ने कई जिले को अलर्ट भी जारी किया है। भीषण गर्मी से सिवान के सदर अस्पताल में मरीजों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। सिवान में भी भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। तापमान 40 डिग्री के पार पहुंचा हुआ है। हर जिले में आपको बता दें कि 42 डिग्री के लगभग सभी जिलों में तापमान ज्यादा है। तापमान बढ़ने से लोग बीमार पड़ रहे हैं, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। डॉक्टर लोगों से सावधानी बरतने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं और बेवजह दोपहर में घर से बाहर न निकलने की सलाह दे रहे हैं।
इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं सिवान से न्यूज 18 संवाददाता मृत्युंजय सिंह। बिहार के कई जिले में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, सिवान में भी टेम्परेचर 40 के पास है। ऐसे में सिवान के सदर अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। यह तस्वीर आप देख सकते हैं सिवान सदर अस्पताल की ओबीडी की है, जहां मरीजों की लंबी लंबी कतारें हैं, लोग दिखाने के लिए आ रहे हैं। डॉक्टरों की माने तो सबसे ज्यादा पेशेंट हीटवेव और फीवर के आ रहे हैं। ऐसे में चूंकि तापमान काफी है, उमस भरी गर्मी है, बारिश नहीं हो रही है, जिस सदर अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। आप देख सकते हैं डॉक्टर चैम्बर है ये। सर क्या कहेंगे, किस तरह की सावधानी सर? पहले तो आपको 11 बजे से लेकर 11 बजे के बाद अधिक धूप में बाहर नहीं निकलना चाहिए, बिना जब जरूरत नहीं हो। जब निकले तो आप पानी पिए, चाहे कोई भी तरल पदार्थ अधिक पिए। दूसरी चीज कि कभी निकले तो कपड़ा उपड़ा जो पहने, थोड़ा लूज कपड़ा पहने और कॉटन कपड़ा पहने। ऐसे में सिवान के सदर अस्पताल में अब मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। खुद डॉक्टर ने अपील किया है कि बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकले, तरल पदार्थ ORS घोल सहित तमाम अपने आप को सुरक्षित रखे, ताकि हीट स्ट्रोक से बची जा सके। मृत्युंजय सिंह, न्यूज 18 सिवान। खबर बेतिया से है। नौतन प्रखंड के दक्षिण तेलहुआ पंचायत में भीषण गर्मी में लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। 2 महीने से पानी की आपूर्ति बंद होने से ग्रामीण जो है वो गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है। अब गुस्साए लोगों ने पानी नहीं मिलने के बाद प्रदर्शन किया है। ग्रामीण एक एक बूंद पानी के लिए यहाँ पर तरस रहे हैं। जल नल जो हलल बा तौन 1 महीना पानी आदमी पिए बा, कहियो शुद्ध से नहीं चल पानी। और सरकार के संस्था बिल्कुल गलत बा, सरकार पानी पिए के हलल बा, लेकिन लूट कंपनी बैठल बैठे सारा लोग लूट के बैठ गए। चलत नहीं जल नल, बहुत ऐसे दिक्कत बा। हमनी के बहुत खुश बनी से जल नल हलल तो पानी मिली, लेकिन पानी नहीं मिल रहा, ऐसे बहुत हमनी तकलीफ बा, दिक्कत बा। नल जल जब सही चालू भइल आए चले पानी हमने का कबो 10 दिन कबो 15 दिन मिलल बा। आए अब 2 साल से पानी तनकुन का मिलत हनु, हमने पानी किन के पिया से मारत बा। 1 महीना पानी हमने खरीद के पिया तानी से। नल जल से का मतलब बा, नल जल सरकार अपनी उखाड़ ले, हम लोग उससे कोई मतलब नहीं है, नहीं तो देना है तो पानी दे। सासाराम में कांग्रेस सांसद मनोज कुमार ने इलाके में पेयजल की समस्या पर चिंता जताई है। उन्होंने लोगों को शुद्ध पेयजल मुहैया कराने के लिए पहली प्राथमिकता बताया है। अति पिछड़ा संघर्ष मोर्चा की ओर से सांसद मनोज कुमार का अभिनंदन किया गया। सांसद ने कहा है कि वो इलाके में घूमकर लोगों की समस्या के बारे में जानकारी ले रहे हैं और अधिकारियों से बात करके उसका जल्द समाधान भी करेंगे। कहीं परेशानी नहीं है मेरे संसदीय क्षेत्र में, चाहे वो धौरा हो, नौहट्टा हो, तिलौतु हो, रोहतास हो, ये सासाराम हो, सभी जगह जल का समस्या चल रहा है। अब ये बातें हो रही हैं और बहुत जल्दी अगर इनको न्याय नहीं मिला तो सड़क से लेकर के सदन तक मैं इनका आवाज़ बनूंगा और न्याय दिला कर मैं रहूंगा, ये मैं वादा करता हूँ।